नागरी भालियो नागरी भालियो जरा मेरिया रोटियां रातियां पका छड़िया करे जे दुबार ब्याह मकलावे चल फिर के। इस करके बड़ी गंदी ते घटिया शब्दावली तुसी ए एक मैसेज देने की कोशिश की है क्योंकि ये गल करती नहीं रहेगी। अपनी औरतों की बेइज्जती होगी, कमाल होगी तुहाडे वाली। तुसी कहना तुहानू दिक्कत की है, प्रॉब्लम की है मेरे वीर तुहानू। पंजाब में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार चल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने अपनी पत्नी अमृता वडिंग को लेकर एक बयान दिया जिस पर विवाद हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए उस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस नेता की पत्नी ने अपने पति का बचाव करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। मैं कभी भी किसी सियासी बयान का जवाब देना जिंदगी कभी ठीक नहीं समझा, पर मेरे ना बिट्टू वीर जी का एक बयान आया है कल, जिदे विच उन्होंने राजा जी की मानसिकता ते क्वेश्चन रेज किया है, तो मैं आपके वीर नूं उहदा जवाब देना जरूर चाहूंगी। बिट्टू वीर, मैं तुहानूं दसना चाहनी है कि जिहड़े गलबात राजा जी ने की लोगों के नाल, इस तरह की गलबात वो अक्सर करते रहेंगे और मैं भी करती रहनी है। साडे परिवार का एक तरीका है कि असी कभी पढ़ के स्पीच नहीं बोलते, जो दिल की गल हुंदी है ना वो लोगों के नाल सांझी करी दी और बड़े प्यार नाल करी दी है, और लोग उस चीज नूं समझदे है कि ए किस रवैये दे नाल और किस लहजे दे नाल गल की जा रही है। हसना खेडना मन का चाओ, हासा मजाक साडियां स्पीचेस दा एक बड़ा मेजर हिस्सा है। दरअसल राजा वडिंग ने अपनी पत्नी को चुनाव प्रचार के व्यस्तता को लेकर कहा कि मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, मेरी पत्नी सुबह 6 बजे पाउडर और बिंदी लगाकर निकल जाती है और रात को 11 बजे घर आती है, अब तो ये मेरे काम से भी गई, ये सही बात है। और जो औरत सुबह 6 बजे जाए और रात 11 बजे आए, वो घर के किस काम की रही? मुझे कोई खाना बनाने वाला ढूंढ दो जो मेरे घर का खाना बना दे। आने वाले दिनों में शोक सभा और शादी विवाह शुरू हो जाएंगे, तो मैं उसको ढूंढता फिरूंगा कि मुझसे 2 मिनट मुलाकात कर ली। मैं आपसे अपील करता हूँ कि मेरी पत्नी को जिताकर मुझे मजबूत कर दो, ताकि मेरा मान सम्मान तो करेगी कि मेरे घर वाले ने मेरे लिए किया, ताकि उसको लगे कि उसके पति ने उसको मेहनत करके जिताया है। एक कानरी करके सोची दिंदी ला के निकल जाती, 6 बजे जाती है, रात को 11 बजे उठी है, मेरे तक गुलगुले पक गए, मैं तो मेरे तक कमो गई। नहीं सच्ची गल है, तुसी दसो 6 बजे दिन नहीं जावे तो 11 बजे आवे तो मेरे घर कम दी बोलो, मैनू तो कोई नागरी भाल दियो, नागरी भाल दियो जरा मेरिया रोटियां रातियां पका छड़िया करे, जे तू बाद ब्याह मकलावे चल पैणगे, भोग चल पैणगे, जगराते चल पैणगे, मैं तो नीचे करूंगा भी किथे है, मिल जा कदे 2 मिंटा च, होर की होगा कहते दस, यही होर क्यों, थोनू तो पता भी ना, मैं तो इधर गया था भी मरिया, इधर गया था भी मरिया। कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राजा वडिंग के द्वारा अपनी पत्नी को लेकर दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए निशाना साधा और कहा कि कामकाजी महिलाओं के बारे में राजा वडिंग की टिप्पणी की निंदा करना जरूरी है, क्योंकि उनका बयान न केवल उनकी अपनी पत्नी का अनादर करता है बल्कि उस मानसिकता को भी उजागर करता है। मैं हुणी एक साडे कांग्रेस पार्टी दे पंजाब दे जिहड़े प्रधान ने राजा वडिंग साहब, उन्हां दी मैं किते स्पीच किसी चैनल ते सुन रहा सी, मैनू सुन के बड़ी जिथे हैरानी हुई, उत्थे मैनू अपनियां, चलो गल उन्हां दी बेशक करदी आ, पर मैनू क्योंकि वह पंजाब दे प्रधान ने, लुधियाने तो मैंबर पार्लीमेंट ने, की सेध दे रहे आ साडियां भैणां नूं, साडियां बेटियां नूं, वह कहना की चाह रहे आ, वह कह रहे आ भी मेरी घरवाली मेरी जोगी नहीं रही, वह सवेरे ही सुरखी बिंदी ला के 6 बजे निकल जाती आ, 11 बजे रात नूं आउंदी आ, की मतलब, ठीक आ उह तुहाडे घर दी गल आ, तुसीं की कहना चाहुंदे हो वी जिहड़ियां साडियां भैणां मावां साडियां बेटियां कम करदियां आ, अज तां बंदे ते कोई लेडीज़ कोई फर्क ही नहीं, दिन रात उह कम करदियां, मेहनत करदियां, घरों जांदियां, अपने बच्चे छड के जांदियां, इहदा मतलब तुसीं की कहने हो वी उह किसे जोगियां नहीं रहिंदियां। इस करके बड़ी गंदी ते घटिया शब्दावली तुसी ए एक मैसेज देने की कोशिश की है क्योंकि ये गल करती नहीं रहेगी। जदों तुसी इलेक्शनां च आ जाने हो फिर सारा कुछ लोकां दे नाल थोड़ा वाह वास्ता हुंदा, लोकां दे की असर पाउने हो तुसी, की गल कहने हो, पर अज जिहड़ियां तुसी गल्लां कीतियां मैनूं समझ नहीं आई। एक पासे तां तुसी आप प्रधान नूं अपनी वाइफ नूं घर वाली साडी भैण नूं टिकट दित्ती, अज साडी भैण नूं तुसी कही जांदे हो मेरे कम दी नहीं रही, ये सवेरे 6 बजे निकल जाती है, 11 बजे आती है, तो सुरखी बिंदी ला के
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਟੀਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੱਜਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ बीजेपी नेता के इस हमले के बाद अमरिंदर सिंह की पत्नी ने उनके बचाव में बोलते हुए कहा कि वडिंग ने मजाकिया लहजे में अपनी बात कही थी। उनका बचाव करते हुए कहा कि वे जनता को ये बताना चाह रहे थे कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जनता के बीच रहती हूं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अमृता ने कहा कि राजा वडिंग हमेशा ही उनका साथ देते हैं और हर मौके पर उनका सपोर्ट करते हैं। अमृता वडिंग ने कहा कि उनके पति ने ही कहा था कि उनकी पत्नी जनता के बीच रहती है और तैयार होकर रहती है और इस बयान से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओ जड़ी राजा जी गल कन्वे करना चाह रहे सी कि सुबह 6 बजे तो लेके अमृता 11 बजे तक लोकां दे विच हाजिर रहंदी है, ए गल कन्वे करना चाह रहे सी हास्य मजाक दे नाल। लोकां नूं ओ गल समझ आ गई, पर बड़ी हैरानी दी गल है कि तुहानूं भाजपा ने बिना जित्तियां मंत्री बनाता, बड़ा वड्डा पद देता, पर तुहानूं ए निक्की जी गल समझ नहीं आई जो राजा कन्वे करना चाह रहे सी, पर तुसीं उस चीज नूं तोड़ मरोड़ के औरतां दे इंसल्ट वाल पासे लै गए। मैं तुहानूं कहना चाहुंदी आ भाई गल सुनो मेरी, अज मैनूं पब्लिक लाइफ दे विच विचरदी नूं इक उम्र बीत गई। अज 13 साल हो गए राजा जी नूं गिदड़बाहा तों इलैक्शन जित्तिआं, जनवरी च 13 साल हो जाणगे, ते 13 साल हो गए मैनूं गिदड़बाहा दे विच पब्लिकली विचरदिआं। मैं जिंदगी च जे आसरा फाउंडेशन चलाउणी है, मैनूं उहदे विच किसे वी चीज़ दी जरूरत हुंदी है, तां हमेशा राजा जी ने उहदी सपोर्ट कीती है और उहदी कामयाबी दे विच उहनां दा बहुत वड्डा हत्थ है। जे मैं अज गिदड़बाहा दे विच कंटेस्ट कर रही हां तां और ओदे विच उन्हां दा बहुत वड्डा हत्थ है, क्योंकि उन्होंने मैनूं स्टेप बाय स्टेप आप दे नाल तुरना सिखाया है, मैनूं हमेशा हौसला दित्ता है कि जो भरा कर सकदे औरतां ओदे नालों वध कर सकदियां। जदों टिकट मिली सी भाई मैनूं, उदों तुसीं कहिंदे सी राजा जी ने पत्नीवाद करता, उदों फिर तुसीं तंज कसिया सी। अज जी ओह हासे मजाक दे नाल इह कह रहे है कि मेरी वाइफ लोकां दे विच 6 बजे तो लैके 11 बजे तक रहिंदी है और तैयार होके जांदी है, तो भाई तुसीं इहनूं कहिंदे औरतां दी बेइज्जती होगी, कमाल होगी तुहाडे लई, तुसीं कहना तुहानूं दिक्कत की है, प्रॉब्लम की है मेरे वीर तुहानू। मैं लोकां दे विच जे अज विचर रही हां और अज जो कुछ भी हैगी हां, दैट इज बिकॉज ऑफ मिस्टर राजा वड़िंग। इहदी शुरुआत मिस्टर राजा वड़िंग जी दे नाल व्याह तों बाद हुई। मैं कदी पॉलिटिक्स विच पहला नहीं सीगी। मैं तुहानू दसना चाहुंदी हां बड़ी क्लीयरली, प्लीज तुसी इस तरह दे कुछ जे मजाक जदों करदे हो ना, औरतां बड़ी चंगी तरह समझदी हां। अमृता वड़िंग ने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू को इस तरह के बयान देना शोभा नहीं देता और ये उनकी ओछी मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में चिट्ठी लिखेंगी कि उन्होंने इस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति को केंद्र में मंत्री बनाया है।